मैंने कोई लतीफा कहा नहीं तो वो तो यूँ है सर, सर वो भी कहा था ना आदमी है उसका मुझे कहा था। अरे वो पकड़ वाले क्या हो जी, कैसे देते हो भैया पकौड़ी? इससे भी नहीं मालूम कैसे देते पकौड़ी, कागज में बांध के कैसे देते बाबू जी? यार 100 ग्राम कितने की देता है? खुद ही हिसाब लगा लो बाबू जी, खरीदनी जाती है क्या? तो मैं कोई घर का हिसाब लगाने बैठाऊंगा यहाँ? है जोट 100 ग्राम पकौड़ी दे। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं बाजी चीज? अरे खत्म हो गई है असली चीज भाई, खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई तो फिर चिल्ला जो रहा था अभी, पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम। बाबू जी दिन में रह जी चिल्ला देने से आदत पड़ गई पकौड़ी गरम। अरे भगवान, कोई ढंग का आदमी मिला दे, पता नहीं कौन दिख रहे आदमी। अरे भगवान, अरे प्रभु कहाँ टूटी लग गई? वो बारात आने वाली चीज आ गई क्या? वो दूल्हा कहाँ है? ये दूल्हा सच सच मैं नाराज होता दूल्हे को बाप है बाप। अरे दूल्हे की माँ चले आज बाहर जा चल। अल्लाह तुझे सलामत रखे भगवान। चार है कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? राम राम इस शहर में अच्छी से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? कपड़े? हाँ हाँ कपड़े। मुझे क्या पता भैया मिलते हैं? पता नहीं, कमाल है कमाल है भाई साहब, आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? जूते? हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले पैर में पहनते हैं जूते। मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूँ? और तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी का डाका डाल मेरे से कब पूछ रहा है? अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? अब तो पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, रेलों के बारे में पूछा जाता है। ओ रेलों के बारे में पूछा जाता है? हाँ। भाई साहब ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? मेरे घर पे बनते हैं। घर पे बनते हैं डिब्बे? तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा। अरे डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? तो भाई साहब क्या काहे पहुँचे हो, रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना। तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। ओ रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। भाई साहब ये रेल आती क्यों है? तो यात्रियों को लेने आती है बाबा जी। तो गुस्सा क्यों होते हो है? फिर जाती क्यों है? उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है? मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था। टाइम पास करने आया था भाई साहब, इंजन भेज देना है। टाइम पास करने आया था भाई। वास्तव में गई भाई साहब? वास्तव में गई यार।
मेरे बाप, अब मैं उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई। नहीं वो तो आपने बता दिया कहीं। तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? आधी खड़ी है बाहर। आधी खड़ी है ना? अबे आधी ट्रेन की जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है? हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा। अबे इंजन अपना ट्रेन चलेगी कैसे यार, इंजन ही तो गया जाता है ट्रेन को। गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब? अबे गार्ड के डिब्बे, ढक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तो चल रहे गए। पहिए भी गए क्या भाई? अबे कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार, अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत बैठ के चल जाऊंगा। ट्रेन ही नहीं तो छत कहाँ से आई? तो छत भी जाती है ट्रेन के साथ? तो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है। मैं भी यही सोच, ट्रेन में तो लगी होती है छत। अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ। ओ भाई साहब जी क्या यार, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब। क्या भाई साहब? ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ उदयपुर। ऐसे तो देर हो जाएगी। बेचारा कर रहे क्या, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे? अजी भाई साहब मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई? अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई। नहीं मैंने टिकट लिया था भाई साहब। मेरा टिकट लिया था, तू भगवान हो गया भाई, देर से कह रहे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई, चला ऐसे। अजी भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेलों की धांधली है। रेलवे हाय हाय, रेलवे ये क्या कर रहे हो यार? देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो नहीं तो ऐसे नारे लगाऊंगा। तो मैं उदयपुर कैसे भेजू? अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊँ? तू कैसे क्या करूँ? हाँ होटल एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ, मेरी ड्यूटी का पहला दिन अभी, पैर पड़ू बस चले। हार क्यों तेरी? जय जगदीश भाई साहब, बस चले जाओ यार। ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। अब बोलो आप मेरा एक काम करोगे क्या? करे? वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से, छोड़ियो आपको। नहीं नहीं आप फोन करके एक टिकट बुक करा दो मेरा। करूँ? हाँ भाई साहब। एक मिनट रुको भाई साहब, नंबर क्या है वहाँ का? 26 21 22। मैं ये बता रहा था 26 21 22। हाँ भाई साहब जरा सा। हेलो हाँ बस स्टैंड है। हेलो ये मैं पूछ रहा था, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हैं? नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ मैं पूछ रहा था भाई साहब उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है, कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई? ठीक है भाई भाई, वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई। ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या भाई साहब? वास्तव में गई क्या जी? वास्तव में गई? ऐसे पूछो पूरी गई क्या? मतलब पूरी तेरी तो इधर तू बात है। ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या है? ये सर मेरा इस्तीफा। अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं। ये कायदे कानून क्या होते हैं? मैं कुछ नहीं जानता कायदे वायदे कानून वानून। तुम्हें चार्ज देना पड़ता है, ये मेरा इस्तीफा है। अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है। चार्ज देना पड़ता है? हाँ। यहाँ भी हाँ। अरे अरे ये वाला चार्ज नहीं, एंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या। गई उदयपुर। Yeah,